गाइस, भूकंप और सुनामी आना एक ऐसा घटनाक्रम है जो कई हजार लोगों की जिंदगी छीन ले जाती है। इन आपदाओं के बाद इतना मलबा इकट्ठा हो जाता है कि कई दफा आपदा के चपेट में आए लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और समय की देरी के चलते उनकी मौत भी हो जाती है। ऐसे में कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की फिलहाल चूहों पर रिसर्च चल रही है ताकि ऐसे मुश्किल समय में चूहों को मोर्चों पर भेजा जा सके। स्कॉटलैंड के ग्लासगो की रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर डोनर की इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस सिलसिले में चूहों को भूकंप के मलबे में भेजने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है ताकि वो माइक्रोफोन से बने छोटे बैकपैक्स पहनकर मलबे के भीतर जा सकें और मलबे में दबे लोगों से बातचीत कराने में मदद कर सकें। करीबन 7 चूहों को बीट की आवाज़ देने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, जिसमें एक माइक्रोफोन वाला होममेड प्रोटोटाइप बैकपैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेनिंग में चूहों को नकली मलबे में भेज रहे हैं। इन स्पेशलिस्ट बैकपैक में लोकेशन ट्रैकर, माइक्रोफोन, वीडियो गियर लगाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है हीरो बैग्स। इस पर अपोपो नाम का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। इस तरह की अनोखी रिसर्च में लगे साइंटिस्टों का कहना है कि चूहे जल्द ही सीख सकते हैं और आराम से उन्हें ट्रेन भी किया जा सकता है। चूहे एक फ्रेंडली जीव हैं, उनकी मदद से कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। चूहे छोटी सी जगह में आसानी से जा सकते हैं। चूहों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें ट्रायल के लिए तुर्की भेजा जाएगा, जहां अक्सर भूकंप आते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।